हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नीट पीजी पोस्टपोन्ड के लेकर आप सभी के लिए यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों फाइनल डिसीजन जो है आज होने वाली है, नीट पीजी पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। साथ ही दोस्तों मिनिस्ट्री के साथ क्या अभी तक जो है रिव्यू मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है। साथ ही दोस्तों जो प्रोटेस्ट का कितना प्रभाव पड़ा है पोस्टपोन्ड को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर अरविंदर सिंह द्वारा पोस्टपोन्ड को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, जो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आंदोलन को लेकर, क्योंकि दोस्तों आंदोलन यहाँ पर जंतर मंतर में लेकर, चंडीगढ़ में लेकर, साथ ही दोस्तों तेलंगाना और हैदराबाद में भी प्रदर्शन किया गया। क्योंकि दोस्तों प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आप सभी को सपोर्ट मिला है पोस्टपोन्ड को लेकर, इसलिए कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो रिव्यू मीटिंग के लिए वो यहाँ पर तैयार हुई हैं, इस इशू को उठाया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डायरेक्ट असर आप सभी के फिजिकल प्रोटेस्ट से पड़ा है, और फिजिकल प्रोटेस्ट में उम्मीदवारों ने काफ़ी यहाँ पर अपनी सहयोग की है। पर दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल रहा है, जो मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर अरविंदर सिंह द्वारा बताया गया है कि टुडे इज़ ए वर्किंग डे इन ऑल थ्री ऑफिस। आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर मीना पीपाल चेयरमैन यहाँ पर NBEMS इंडिया और डॉक्टर SC शर्मा चेयरमैन NMC इंडिया यहाँ पर जो है, मनसुख मंडानी ऑफिस ऑफ MM यहाँ पर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर, MOFEW इंडिया टेक द कलेक्टिव डिसीजन एंड 50,000 नीट एस्पिरेंट। यानी कि दोस्तों आज जो मीटिंग होने वाली है पीजी पोस्टपोन्ड को लेकर, दोस्तों अगर आज कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकल कर आ पाता है तो यहाँ पर दोस्तों अब जो बिल्कुल ही कम चांसेस हैं कि इस एग्ज़ाम को यहाँ पर पोस्टपोन्ड किया जाएगा। फिर दोस्तों जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर ही रहेगा। जो उसकी फाइनल डिसीजन है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही वो फाइनल डिसीजन रहेगा। क्योंकि दोस्तों इतने प्रक्रियाओं करने के बाद भी अगर मिनिस्ट्री इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड नहीं करती है तो यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लास्ट चांस है उम्मीदवारों को पोस्टपोन्ड करने का। दोस्तों यही एक अपडेट निकल कर आ रही थी, जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक शेयर किया गया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों अगर कोई और अपडेट निकल कर आई है पोस्टपोन्ड की, सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट चाहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।